जी बेगम साहब, साहब का नाश्ता लगा दो। जी सिर्फ मेरे लिए क्यों, आप लोग नाश्ता नहीं करेंगे? हम तो घर पे ही हैं, बाद में कर लेंगे, तुम्हें तो ऑफिस जाना है। ऐसा क्या इम्पोर्टेंट काम है जिसकी वजह से आप नाश्ता नहीं कर रहे? दावत में मेहमानों को इनवाइट करने की लिस्ट बना रहे हैं। ये लो बात करो। हेलो, सच में मैं बहुत खुश हूँ। बचपन से मेरी ख्वाहिश थी पप्पो बनने की। थैंक यू लाइबा, तुमने मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। हेलो देखते वक्त कितनी तेजी से गुजर जाता है ना सिकंदर, एकदम से ही 2 हफ्ते भी गुजर गए। मुझे तो बस अब शिद्दत से इंतजार है कि कब हमारा पोता या पोती हमारे पास है। अरे इंशाल्लाह वो वक्त भी जल्दी आ जाएगा, आप उसका इतना ख्याल रखती हैं तो फिक्र कैसी। बस सिकंदर मुझे परेशानी होती है जब लाइबा बुटीक में होती है, जब तक वो मेरी नजरों के सामने रहती है तब तक तो मैं उसका ध्यान रखती हूँ, लेकिन मैं किसी बात से उसे मना इसलिए नहीं करती कि कहीं वो ये ना सोचे कि मैं उस पर किसी भी किस्म की कोई पाबंदी लगा रही हूँ। लाइबा पढ़ी लिखी और समझदार बच्ची है, मेरा नहीं ख्याल कि आपकी फिक्र उसे पाबंदी लगेगी। चले आ जाती है तो मैं उससे बात करती हूँ। सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो लाइबा, मैं तुमसे एक बात करनी है। जी मैं ये सोच रही थी कि अगर तुम कुछ दिनों के लिए बुटीक से ऑफ ले लो और घर पर ही कंप्लीट बेड रेस्ट करो या सिर्फ रेस्ट करो तो अच्छा नहीं होगा? आंटी इतना आराम करूंगी तो सुस्त हो जाऊंगी, वैसे भी मेरी डॉक्टर से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि फिलहाल काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर लहबा, अरे उस्मा अगर वो कह रही है तो यकीन कर लेते हैं, वो अपना ख्याल रख सकती है। चले ठीक है। रिफाकत जी, आप दोनों सब बता दिया, बस सुन के बहुत दुख हुआ, लेकिन बहरहाल ये सोच के सबर कर लो बेटा कि दुनिया इसी का नाम है, झूठी मक्कार धोखेबाज। रिफाकत तुम फिक्र मत करो, मैंने 2-4 लोगों से बात कर रखी है, इंशाल्लाह कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाए। इफ्तिखार भाई अब इसकी जरूरत नहीं। क्या मतलब रिफाकत? अम्मा दरअसल बात यह है कि मेरे एक दोस्त से मुझे मदद मिल गई और अब मुझे मजीद रकम की जरूरत नहीं है। है ये तो अच्छी बात, मगर रिफाकत आपदा तो मुझसे कह रही थी। अरे अम्मा आपकी सिर्फ दुआएं चाहिए, आपकी दुआओं से सब मसले हल हो जाते हैं। और रही बात आपदा की, तो आपदा को तो इस बारे में भी कुछ नहीं पता। अरे भाई जैसे हुआ तैसे हुआ, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मसला तो हल हो गया ना। शुक्र है उसका, लाख लाख शुक्र। और मैं इस बात से खुश हूँ कि इस बार आप अपनी बहन के हाथों धोखा खाने से बच गए। शकीला जी, हाँ चाय तो लाओ। मैं लाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आज अपनी माँ की याद कैसे आ गई आपको? माँ को याद करने के लिए मुझे किसी वजह की जरूरत नहीं,
अच्छा बहुत ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं, ये बताओ कैसे याद की? अच्छा मामा लाइबा घर आ गई? नहीं अभी तक तो नहीं आई, शाम तक लौटेगी। लेकिन खैरियत है तुम उसका एकदम से क्यों पूछ रहे हो? जी खैरियत ही है, मैं सोच रहा था कि अगर लाइबा घर आ गई है तो आप उससे कह दें कि मेरी एक इम्पोर्टेंट फाइल रूम में रह गई, वो मुझे भिजवा दो। अगर बहुत इम्पोर्टेंट है तो मुझे बता दो, मैं भिजवा देती हूँ। मामा इम्पोर्टेंट तो है, एक्चुअली एक घंटे बाद मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उसकी सारी डिटेल्स उसी फाइल में। तो ठीक है ना, तुम मुझे बता दो कहाँ रखी है, मैं तुम्हें भिजवा देती हूँ। वो आपको मेरी ड्रेसिंग के नीचे वाले ड्रॉअर में है। अच्छा ठीक है, मैं देखकर अभी भिजवा देती हूँ। खुदा हाफिज़। हेलो मामा, मैंने पूछने के लिए फोन किया था कि आपको फाइल मिल गई या नहीं। हाँ मिल गई। क्या वो आप परेशान क्यों? नहीं नहीं तो मैं क्यों परेशान? छुपा रही हैं आप मुझसे? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। ठीक तुमसे ये सब कैसे कहूँ जाविया? जो बात जानकर मुझे इतनी तकलीफ हो रही है वो तुम कैसे बर्दाश्त करोगे? काम देख रही हूँ इसका, बिल्कुल भी नीट नहीं है। इसे नीट करवाओ और फिटिंग भी ठीक करवाओ इसे। मैडम लंच का टाइम हो गया है, आपके लिए क्या मंगवाऊं खाने के लिए? जो भी मेरे घर से आया लगवा दो। लेकिन आपके घर से तो अभी तक कुछ भी नहीं आया। अभी तक खाना नहीं आया? आप जानती हो ना कि इस वक्त तक मेरे घर से खाना आ जाता है। जी बिल्कुल आ जाता है, लेकिन आज नहीं आया। आपके लिए कुछ मंगवाऊं बाहर से? नहीं नहीं बस ठीक है, तुम जाओ। कहा तो आंटी को मेरी इतनी फिक्र रहती है कि वक्त से पहले खाना भेजने के बाद भी बार बार कॉल करती है, ताकीद करती है कि मैं वक्त से खाना खा लूँ। और आज खाना भेजना तो दूर की बात, मुझे ही भूल गई। आई होप घर में सब ठीक हो।
ऐसा क्यों कर रही है? आखिर बात क्या है? घर जाके देखती हूँ। मैडम, जिन क्लाइंट के साथ आपकी आज मीटिंग थी वो आ चुके हैं। आप कहें तो उनको मीटिंग रूम में बिठा दूं या फिर आपके पास यहीं भेज दूं? नहीं, अहमद साहब से कहो कि वो उन्हें अटेंड कर लें, और मेरे पूछें तो कहिएगा कि उनकी तबीयत खराब थी, वो घर चली गई। लेकिन अहमद साहब तो ऑफिस में है ही नहीं। ऑफिस में नहीं तो कहाँ है? पता नहीं, लेकिन उनकी कोई फोन आया था और वो उठ के चले गए, और जाते हुए कह गए थे कि मैं आपको बता दूं। कौन? अच्छा चलो ठीक है, उन्हें मीटिंग रूम में बिठाओ, मैं आ रही हूँ। जाए एक दफा। आ गए आप? हाँ आ गया। आज जिंदगी में पहली बार तुम्हें अपना इंतजार करते हुए देखा, बड़ी खुशी हो रही है। मेरे इंतजार करने पर खुशी हो रही है या मेरे किए कराए पर पानी फेरने पर? पानी फेरने पर? अरे भाई जो कुछ कहना है सीधे सीधे तरीके से। तुम्हें किसने कहा था कि तुम मेरे मैके पहुंच जाओ और जाकर ये कह दो कि हमारा तो मसला हल हो गया, हमें कोई पैसों की जरूरत नहीं है। अच्छा तो इसका मतलब है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें फोन करके सब कुछ बता दिया कि मैंने क्या क्या कहा है। जाहिर है, मेरी अम्मा है, मुझे नहीं बताएंगी तो और किसे बताएंगी? तुमने ऐसा क्यों कहा? हालांकि वो 2 लाख रुपए मैं नहीं खा जाती, तुम्हारे इस घर पे लगाती भले के लिए, तुमने जाकर क्यों मना कर दिया? देखो आबिदा बेगम, मैंने अपनी आंखों पर बेहिसी की पट्टी नहीं बांधी थी। मुझे इफ्तिखार की मजबूरियां और उसकी बेहिसी का एहसास है। आज तक तुमने तरह तरह के झूठ बोलकर अपने भाई से पैसे लिए और मैं चुप रहा, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम ये रकम लेके घर आ जाती तो यकीन जानो कि मैं सुकून से सो भी नहीं सकता था। तुम्हारी कमाई से गुजारा करना बहुत मुश्किल है। मेरे बेटे और मेरी ख्वाहिशात तो दूर की बात, इस घर की जरूरियात भी पूरी नहीं होती। अगर झूठ बोल बोल कर अपने मैके से पैसे ना लेकर आऊं तो इस घर में फाकों की नौबत आ जाए। मैंने इस घर की हर जरूरत पूरी की है, और जहां तक हो सका है तुम्हारी ख्वाहिशात भी पूरी की है मैंने। लेकिन ख्वाहिशात की आखिर हद ही ना हो तो बताओ आबिदा बेगम, बताओ मुझे कब तक पूरा करता रहूंगा मैं? रहने दो, ज्यादा मुंह मत खुलवाओ मेरा। क्या जरूरत पूरी करिए? अरे कभी ढंग का कपड़ा नहीं खरीद के दिया, जेवर के नाम पर एक छल्ला खरीद कर नहीं दिया। वही जेवर पहनती चली आई हूँ जो शादी में मिला था, और अपने भाई से मांग कर ही कपड़े बनाए मैंने हर मौके पर। मैंने आज तक जितना कमाया है सब तुम्हारे हाथ में लाके रखा। अगर तुम बचत करती तो कपड़ा जेवर दुनिया की तमाम चीजें तुम्हारे पास होती, मगर तुम नहीं बचत करने की कोशिश नहीं की, इसमें मेरा क्या कसूर है? हाँ हाँ, धर दो सारा इल्जाम मेरे ही सर पर। तुम भी एक आम से ही मर दो, सारी गलती औरत पर ही डाल देना। काश तुम भी एक आम औरत की तरह समझदार होती तो आज हमारी जिंदगी भी बड़ी सुकून के साथ गुजरती। नशा किया था, आज ऑफिस ही आ गया। मैं तुम्हें कॉल करके खुद ही आने वाला था, पूछने वाला था कि तुमने मेरे काम का क्या किया, कहीं भूल तो नहीं गए? मैं अपनी कमिटमेंट कभी नहीं भूलता, और ना ही कोई काम अधूरा छोड़ता। तुम ये बताओ कि खुश तो हो ना? खुश तो मैं बहुत हूँ, और मेरी खुशी की वजह है लाइबा। तुझे खुद उसको नहीं मालूम कि उसने मेरे लिए क्या किया? और जब उसे पता चलेगा तो भी सरप्राइज हो जाएगी। चलो मैं घर निकलता हूँ, मेरे ख्याल से वो पहुंचने वाली होगी, तुम भी पहुंचो। ठीक है, ओके, ओके हूँ मैं। उस माँ जिस वक्त से आया हूँ एक ही सवाल पूछे जा रहा हूँ, तुम क्यों परेशान हो? मगर तुमने तो आज कसम खा रखी है कि कोई बात मुझसे शेयर नहीं करनी। मैं बताती क्यों नहीं, क्यों परेशान हो?
सिकंदर, जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं वो इस लड़की से पूछिए। इस घर पर कयामत आने से पहले कयामत नाजिल कर चुकी है। क्या बात है आंटी, आप खफा हैं मुझसे? लाइबा, तुम मुझसे पूछ रही हो कि तुमने क्या किया है? जो बात कहने से भी मेरी जबान कांप रही है वो तुम ऑलरेडी कर चुकी हो। मुझे एक बात बताओ, हमने तुम्हारे साथ ऐसा क्या बुरा किया था, क्या बिगाड़ा था तुम्हारा जो तुमने हमें इस घर के वारिस से महरूम कर दिया? आंजी, आप क्या कह रही हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लाइबा, मैं आज तक तुम्हें बहुत ही मासूम लड़की समझती थी। मैंने आज तक तुम्हारी हमेशा तरफदारी की, लेकिन आज मुझे इस बात का पता चला तुम कितनी बड़ी एक्ट्रेस हो। लेकिन आंटी, हमने जो कहा वो सच है। सागर, यही तो मैं भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती, करना तो दूर की बात। यकीनन आंटी को कोई गलतफहमी है। गलतफहमी? तुमने पागल समझा मैं मेरी माँ को? बगैर किसी सबूत पे तुम इल्जाम लगाएगी वो? तो आप आंटी से ही पूछ लीजिए कि बिना किसी सबूत के मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रही है। वो इल्जाम लगा रही है तुम सच छुपा रही हो। साविया, झूठ वो लोग बोलते हैं जो अपने सच का यकीन दिलाना चाहते हैं, और मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मैं अभी दो दिन पहले ही अपना कंप्लीट चेकअप करा के आई। आपको यकीन नहीं आता तो डॉक्टर से कॉल करके पूछ लीजिए। अगर तुम्हें सबूत ही चाहिए तो अभी पता कर लेते। हेलो डॉक्टर अतिया, क्या हाल है आपके? जावेद सिकंदर बात कर रहा हूँ, लाइबा का हस्बैंड जी। एक्चुअली कुछ काम में बिजी था, इस वजह से मैं अपनी वाइफ के साथ आपके पास आ नहीं सका। आई जस्ट वांटेड टू नो, दो दिन पहले जब वो आपके पास आई थी तो वाज एवरीथिंग ओके? आर यू श्योर? थैंक यू। आ गया ना आपको यकीन कि मैं सच कह रही थी? इस बात का यकीन तो आ गया कि तुम डॉक्टर अतिया के पास चेकअप के लिए गई थी। अबे जो बात उन्होंने मुझे कही, तुम वहां चेकअप के लिए नहीं, बॉसिंग के लिए गई थी। ये झूठ है साव्यान। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों इतना बड़ा कदम उठाया तुम? एक बार भी नहीं सोचा तुमने कि मुझ पे इस घर पे क्या गुजरेगी? आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैंने सब कुछ नहीं किया। लाइबा, लाइबा, वक्त आ गया है कि तुम सबको सच बता दो। कैसा सच? मेरे और तुम्हारे रिश्ते का सच। हमारा रिश्ता? कहना क्या चाहते हो तुम? मैं जो कहना चाहता हूं, हो सकता है उसके बाद आप सब लोग मुझसे नफरत करने लगे, और जावेल तो मुझे शायद जान से ही मारते। लेकिन अगर मैंने ये बात नहीं की तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं। जो कहना है साफ साफ कहो। मैं और लाइबा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अमर, अगर तुमने हिम्मत कर ही ली है तो एक ही सांस में अपनी और इस लड़की की मोहब्बत की दास्तान सुना दो। हम दोनों शादी का फैसला कर चुके हैं। और मैं नहीं चाहता कि मेरे और लाइबा के दरमियान मेरी या लाइबा की माजी की कोई भी याद आए। इसीलिए हम बच्चे को ना साथ रख सकते हैं और ना ही उस बच्चे को आप लोगों के पास छोड़ सकते थे।
کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے اور لائبہ کے درمیان کوئی بھی آ. اسی لیے میرے کہنے پر لائبہ نے یہ سب کچھ کیا تاکہ وہ بچہ ہم دونوں کے درمیان رکاوٹ نہ بن سکے. گھٹیا انسان, دوست کہا تھا میں نے تجھے اور دوست ہو کر تم نے مجھے دھوکہ دیا. سوری, انسان کا اپنے دل پر اختیار نہیں ہوتا. میں اور لائبہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. چپ, بالکل چپ. میرے چپ رہنے سے کچھ نہیں ہوگا. صرف میں ہی نہیں, لائبہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے. اگر یقین نہیں آتا تو دیکھو اس کی آنکھوں میں, پر تم نے مجھے مارا ہے لیکن آنسو اس کی آنکھوں سے بہ رہے ہیں. نکلو یہاں سے. اور تم اپنے آنسو کیوں صاف کر رہے ہو؟ کیا ہو گیا ایسا؟ تمہارے آنکھوں سے تو آنسو نکلنے چاہیے. احمد تمہارا اپنا جو ہے. میرے اپنے آپ ہیں ساگر, میں آپ سے محبت کرتی ہوں. اپنے منہ سے محبت کا لفظ مت نکالو, کیونکہ جو لوگ محبت کرتے ہیں نا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے, بے وفائی نہیں کرتے. میں محبت کی خاطر سب کچھ معاف کر سکتا ہوں, اپنے بچے کا قتل بھی. کچھ بے وفائی تم نے میرے ساتھ کی, میں اس کا کیا کروں؟ خدا کی قسم میں نے آپ کے ساتھ کوئی بے وفائی نہیں کی. میری بات کا یقین کیوں نہیں کر رہے؟ دوبارہ سے یقین دلا رہی کہ میں پھر سے تم پہ یقین کروں, پھر کوئی چوٹ کھاؤں؟ کیا چاہتی ہوں, کیا کروں میں؟ پاگل سمجھا ہوا کیا ہے یہ؟ سرگل خدا کی قسم, میں نے آپ کو کوئی دھوکہ نہیں کیا, کوئی بے وفائی نہیں کی. میں نہیں جانتی کہ ڈاکٹر نے آپ سے جھوٹ کیوں بولا, یہ شخص جھوٹ کیوں بول رہا ہے, میں کچھ نہیں جانتی. میرا یقین کہنے سننے کا وقت گزر گیا ہے. میں تم جیسی عورت کے ساتھ اب مزید زندگی نہیں گزار سکتا. ابھی اسی وقت نکل جاؤ یہاں سے اور اپنی شکل مت دکھانا مجھے. لیکن زابیان میں جاؤں کی کہاں؟ آپ میری بات کا یقین کیوں نہیں کر رہے؟ میرا آپ کے سوال کوئی نہیں ہے. میں کہاں جاؤں گی؟ میں آپ کی بیوی ہوں نا, آپ سے زیادہ مجھے کون سمجھتا ہے زابیان؟ میں تمہیں صرف اپنی زندگی سے, اپنے گھر سے نکال رہا ہوں. جو کچھ تم نے میرے ساتھ اور میرے گھر والوں کے ساتھ کیا ہے نا, مجھے تمہیں جان سے مار دینا چاہیے. میرے کچھ نہیں, چلو یہاں سے, چلو. چلو تم اس گھر میں رہنے کے لائق نہیں ہو, چلو. مجھے نہیں پتا جھوٹ نہیں بول رہا ہے, وہی کہا ہے جو سچ ہے. چلو بھائی, کچھ نہیں کیا زابیان. زابیان ایسا مت کریں زابیان, اور چلو زابیان ایسا مت کریں زابیان, اور چلو زابیان. کان کھول کے سن لو, آئندہ اگر مجھے یہ نظر آئی تو تمہاری جان نکال دوں گا میں. ہیلو, کہاں ہیں آپ؟ توجہ فرمائیں تو آپ کے دل کے بہت قریب. اچھا, میرا مطلب ہے کہ ابھی تک گھر کیوں نہیں ہے؟ بس آپ حکم کیجئے, حاضر ہو جاتا ہوں. اچھا, تو ایسی بات ہے تو ابھی اور اسی وقت گھر پہنچے. جی, جو حکم. لیجیے, بندہ حاضر. تو آپ مجھے بے وقوف بنا رہے تھے. بنی بنائی چیز کو بنانا میرے بس کی بات نہیں ہے. فردان, آپ مجھے بے وقوف کہہ رہے ہیں؟ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے میں سمجھتا تھا تم بے وقوف ہو,
अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम क्या कर रही थी? कुछ भी नहीं, बस वो फरदान अभी अभी ऑफिस से आए थे तो उनके लिए खाना लगा रही। आप बताएं कैसे फोन किया? बहुत दिन से तुमसे बात नहीं हुई थी, मैंने सोचा तुमसे तुम्हारी खैरियत पूछूं। सब ठीक है ना? सब ठीक है, आप बताएं लाइबा कैसी है? सुबह को मैंने उसको कॉल की थी लेकिन शायद वो ज्यादा मशरूफ थी तो बात नहीं हो पाई। भाई अगर वो जाग गई है तो प्लीज मेरी बात करवा दें। वो सो गई है। अच्छा चले खैर, मैं सुबह उससे बात कर लूंगी। ओके। कभी रोज शब के शुमार में यूं ही उम्र सारी गुजर गई किसी अजनबी से दियार में। चार पल भी न मिल सके हमें जीने के लिए, कुछ परेशान लग रही हो? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो सुना था इंसान परेशान हो तो उसकी भूख प्यास मर जाती है, लेकिन आज पहली दफा देख रहा हूं कि परेशान नहीं भी हो लेकिन फिर भी तुम्हें भूख नहीं है। मुस्कुरा क्यों रही हो? फरदान अब घुमा फिरा के क्यों बात कर रहे? सीधा सीधा बोले कि को मेरी बात पे यकीन नहीं है, मैं परेशान नहीं हूँ। अच्छा अगर तुम मेरी बात का मतलब समझ ही गई हो तो बता दो क्या बात है। भाई की कॉल आई थी और पहली बात तो भाई इस वक्त कॉल नहीं करते, और दूसरा जब मैंने उनको कहा कि मेरी लाइबा से बात करवाएं तो उन्होंने कहा कि लाइबा सो गई है, जबकि मुझे अच्छे से पता है कि लाइबा इतनी जल्दी नहीं सोती। और भाई का अंदाज और लहजा ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। देखो अगर जावियाल ने इस वक्त तुम्हें फोन किया है तो हो सकता है वो तुम्हें मिस कर रहा हो। और रही बात लाइबा के जल्दी सो जाने की, तो हो सकता है उसने मेडिसिन ले ली हो इसलिए जल्दी सो गई हो। तीसरी बात ये है कि अगर वो कुछ छुपा रहा था तो हो सकता है ये तुम्हारी गलत फहमी हो। लेकिन भाई के लहजे से लग रहा था कि वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ठीक नहीं है। अच्छा अगर तुम्हें ये लग रहा है तो तुम्हारी बात मालूम करने का एक तरीका है मेरे पास। वो क्या? यही कि हम जावियाल से जाके मिल लेते। इस वक्त नहीं, ये बहुत रात हो गई है। और अगर तुम जावियाल से नहीं मिलोगी तो सारी रात सोच सोच के तुम्हें नींद नहीं आएगी। आपको मेरी इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी परेशानी के लिए आपको तकलीफ में थोड़ी डाल सकती हूँ। और मैं भी तो तुम्हें इस तरह से परेशान नहीं देख सकता, है ना? आप प्लीज मेरे लिए इतना परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आर यू श्योर? ओके अगर तुम वाकई ठीक हो तो खाना खाओ, चलो। मैं खा लूंगी फरदान। तुम ऐसे नहीं मानोगी। चलो शाबाश मुंह खोलो। गुड गर्ल। लो खाना खाओ।
लड़की से तो हमारा हर ताल्लुक उस दिन खत्म हो गया था जिस दिन उसने माँ के साथ मिलके हमें धोखा दिया था और साफियाल से निकाह किया था। लोगों को मुंह दिखाना था इसलिए मजबूरन हमें इस घर से उसको रुख्सती की इजाजत देनी पड़ी। लेकिन रुख्सत के बाद मैंने हर एक से कह दिया था कि उस लड़की से अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं। यार तुमसे भी कहा था, तुमने कहा था कि मैं ये बात याद रखूंगा, फिर आज तुम ये कैसे भूल गए और इस लड़की को घर में ले आए। अम्मा मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, सच यही है कि जब मैंने लाइबा को देखा, उसकी हालत देखी, तो मैं सब कुछ भूल गया। बस सिर्फ इतना ही याद रह गया कि ये मेरी बेटी है। अम्मा लोग तो जानवरों पर भी तरस खाते, लाइबा तो मेरी बेटी है, मेरा खून औलाद है मेरी, मैं उसे यूं सड़क पर छोड़कर कैसे आ जाता। और रही बात याद रखने की, औलाद मां बाप का रिश्ता भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन मां बाप औलाद का रिश्ता कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं। चले, पता नहीं लाइबा को क्या हो गया, उसका बुखार भी बहुत ज्यादा तेज हो गया है, डॉक्टर को बुला दो। अरे तुम परेशान ना हो, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। अम्मा मैं जा रहा हूँ। दिमाग खराब हो गया है तेरा, इस मौसम में कौन डॉक्टर आ जाएगा? समीर आप कहाँ जा रहे? क्यों? वो अब्दुल पप्पू ने कहा था कि लाइबा को जब हॉस्पिटल देखने जाओगी तो समीर के साथ जाओगी। तेरी बहन क्या बहुत बड़ी महारानी लगी हुई है जिससे मिलने के लिए तू इतना मरी जा रही है? तुझे उस बहन से मिलने जाना है जिसने तेरे शौहर की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उस बहन से मिलेगी तू, उस बहन से मिलेगी। टीना की खातिर एक ऐसी लड़की से शादी की, और इससे शादी मैंने सिर्फ इसलिए की थी ताकि मैं उसको पापा की नजरों में गिरा कर ये बता सकूं जो ख्याल उनके मगरबी लड़कियों के बारे में कि वो आजाद ख्याल होते हैं, बेवफा होती है, गैर जिम्मेदार होती है, वो सारी खामियां मगरबी लड़कियां।